और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश से बेकाबू हो रहे हालात की। देश भर में मानसून दस्तक दे चुका है, झमाझम बारिश भी हो रही है, लेकिन राज्यों में कुछ राज्यों में ये बारिश मुसीबत का सबब बनी है। गुजरात के 6 जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है। गुजरात पर आसमानी आफत टूटी है, बर्बादी की बारिश जारी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते इस समय हाहाकार मचा है। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके में पानी भर गया है। एनडीआरएफ लगातार बचाव कार्य में लगी है। अहमदाबाद समेत कई इलाकों से करीब 1500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। गुजरात में अब तक हुई बारिश की वजह से 61 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर अंडरपास सड़कें जलमग्न होने के कारण अस्थायी रूप से बंद है। लगातार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहमदाबाद नगर निगम के स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दे दिया है। बोडली शहर के निचले इलाकों और छोटा उदयपुर जिले के नसवरी तालुका के अकोना गांव से 65 लोगों को बचाया गया है। 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। और गुजरात में नदी नाले उफान पर हैं, गांव के गांव पानी में समा गए हैं। बाढ़ के चलते शहरों में भी हाल बेहाल होता जा रहा है। गुजरात में हालात किस कदर भयावह है, ये उसकी एक झलक भर है। अंबिका नदी की तेज धार में एक शख्स को किस कदर देवदूतों ने बाहर निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये साहसिक तस्वीर है। दमन तटरक्षक वायु स्टेशन के जावाजों ने वलसाड़ में फंसे ऐसे कई लोगों को बचाने में लगी है। लगातार बारिश और अचानक बाढ़ के कारण कई लोग फंस गए थे, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के सैनिक ऑपरेशन में जुटे। अंबिका नदी के किनारे फंसे 16 लोगों को एक के बाद एक इस तरह से बचाया गया। अब देखिए वलसाड़ में आई बाढ़ का एरियल व्यू। जहाँ तक देखिए पानी ही पानी है, कुछ घरों की केवल छतें दिख रही हैं, चारों ओर पानी है। बाढ़ की यह विनाश लीला वलसाड पर कहर बनकर टूटी है। हालात बेहद भयावह है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल प्रलय ने गुजरात को कितना नुकसान पहुंचाया है। आवागमन के सारे रास्ते बंद हैं, पानी में सड़कें नदारद हो गई हैं, आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई घरों की निचली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। शहरों के हालात भी कुछ अलग नहीं है। पानी ने दुकानदारों का भारी नुकसान किया है। बारिश के चलते कई दुकानों में पानी घुस गया। बारिश के चलते कई इलाकों में खाने पीने के सामान का संकट हो गया है। इस बीच कई जगहों पर लोग जरूरतमंदों की मदद करते नजर आए।